किसी चीज़ को क्षमा करना या धन्यवाद करना, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। क्षमा करने का ये मतलब नहीं है कि सामने वालों को आपने बोल दिया कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपके पास उनके प्रति जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जो भी आप उनके प्रति नेगेटिव सोचते हैं, उसे आपको पूरी तरह से हटाना होगा। मान लीजिए कि किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया और आप हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं। जब भी आप उस इंसान के बारे में सोचते हैं तो आप दूसरे लोगों के लिए भी वैसे ही फीलिंग बनाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आपको ये सब बातों को ध्यान रखना होगा। अगर ये सब आप अपने साथ बार बार करोगे तो इन फ्यूचर आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इससे दूसरे लोग भी आपके साथ वैसे ही बिहेव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप इसी तरह के नेगेटिव वाइब्रेशन यूनिवर्स तक भेज रहे हैं। इसीलिए आपको जो वाइब्रेशन दूसरे लोगों के प्रति मिलेंगे वो भी नेगेटिव ही होगा, और भविष्य में जो भी दूसरे लोग आपसे मिलेंगे या आपके पास आएंगे वह भी नेगेटिव वाइब्रेशन वाला ही होगा। लेकिन जब आप उन्हें क्षमा कर देंगे, जब आप उनके लिए नेगेटिव थॉट्स बंद कर देंगे और अच्छा सोचेंगे, तो आपकी नेगेटिव वाइब्रेशन भी कम हो जाएंगे और उनके साथ रिलेशंस भी अच्छे बनने लगेंगे, और दूसरे लोगों के साथ भी आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छे लोगों को आकर्षित करना शुरू कर देंगे। दूसरी चीज़ है धन्यवाद करना, ग्रेटिट्यूड टेक्निक। यह एक ऐसी टेक्निक है जो आज तक कभी फेल नहीं हुई है। यह सबके लिए काम करता है। यह टेक्निक मेरे ज़िंदगी में बहुत काम किया है। यह बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है और हमेशा सबके लिए काम करता है। आपको एक पेन और पेज उठाना है और जो भी आपके लाइफ में हो रही है, एक छोटी सी छोटी चीज़ या घटना जो आपके साथ बीत रही है, जो भी चीज़ें आपके साथ अच्छी हो रही है, उसके लिए धन्यवाद करना है। इस टेक्निक के पीछे आपका मोटिव ये है कि आप अपनी चिंता को दूर रखें, आप अपनी टेंशन को दूर रखें, आप अपनी नेगेटिविटी को दूर रखें, उन चीज़ों पर ध्यान दें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। आप किसी चीज़ के लिए कब ग्रेटफुल होते हो, क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया? आप किसी चीज़ों के लिए उसी वक्त ग्रेटफुल होते हो जब आपके साथ कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हुई होती है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आप बहुत अच्छी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं और वाइब्रेशंस भी अच्छी हो रही है। यही वाइब्रेशंस आप यूनिवर्स तक भेज रहे हैं। इससे आप ज़्यादा अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करने लगेंगे। क्षमा करना और धन्यवाद करना, सिर्फ ये दो चीज़ों को अगर आपने अपनी ज़िंदगी में उपयोग किया तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। क्योंकि जब आप क्षमा करेंगे तो आप लोगों के लिए नेगेटिव सोचना बंद कर देंगे, और जब आप धन्यवाद करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में ये यूनिवर्स ने जो भी अच्छी चीज़ें दिए हैं उनके लिए आप खुश होने लगेंगे, और आपके पास और ज़्यादा अच्छी चीज़ आने लगेंगी, आपके ज़िंदगी में पॉजिटिव लोग आने लगेंगे। यही बेनिफिट्स आपको क्षमा करना या धन्यवाद करने से मिलता है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को अपने ज़िंदगी में यूज़ करेंगे, अपने विचारों को कंट्रोल करके दूसरों के लिए अच्छी सोचने की कोशिश करेंगे और धन्यवाद करेंगे, तो लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स अपनी ज़िंदगी में आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, जब भी किसी के लिए आप कोई काम कर देते हैं तो आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगता है, और आप यह कोशिश करते हैं कि आप उनके लिए कुछ और ज़्यादा अच्छा कर सकें, क्योंकि वो इंसान आपका काम का कदर करता है। इसी तरह से जब आप यूनिवर्स के शुक्रगुजार रहेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे, तो आपकी वही वाइब्रेशन यूनिवर्स तक पहुँचेगी, और यूनिवर्स को ये लगेगा कि यूनिवर्स को आपके प्रति पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है। और जब भी आप अपनी ज़िंदगी और अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहोगे तो यूनिवर्स भी उसे अचीव करने में आपके लिए काम करने लगेगा। जो आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए, जिन चीज़ों से आपको अपनी ज़िंदगी में खुशी मिलती है, आप उन्हें मैनिफेस्ट करने लगेंगे। इसीलिए उन दोनों बातों को समझिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा थैंकफुल रहना है, और आपको दूसरे लोगों को क्षमा करना है, जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी बहुत ही जल्द बदल जाएगी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर लिख के ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलता हूँ कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।